अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हमेशा खुश आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं देगी चना पुलाव बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 मीडियम प्याज लिए, इसको स्लाइस कर लिए बारीक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम डिश का आगाज़ करते हैं। इसे गोल्डन ब्राउन कर देंगे। देखिए ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें से एक के करीब प्याज निकाल लूँगी और 2 रहने दूँगी अंदर ही। मसाला ना जले तो मैं यखनी डालूँगी। अदरक रखा है, तीन मीडियम टमाटर है। ये मैं मसाला डाल रही हूँ। लाल मिर्च 1 टीस्पून है, कुटी मिर्च 1/2 टीस्पून है, जीरा 1 टीस्पून है, धनिया 2 टीस्पून है, और जैस्मिन जवाहरी छोटी इलायची 1/4 टीस्पून है, और गरम मसाला 1 टीस्पून है। और ये दही जो है 1/2 कप, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च चॉप्ड है, 1/4 से पका लेंगे मसाले को, जल जान हो गया पूरा मसाला। ढक्कन उसका लगा देंगे ताकि मसाला अच्छा पक जाए। मसाला अच्छा पक गया है, अब मैं इसमें खड़ा गर्म मसाला भी डालूंगी। इसमें 4 छोटी इलायची है, 1 दालचीनी है, 3-4 लौंगे हैं, और 10 से 12-15 ये काली मिर्च है, और 1 बड़ी इलायची और तेज़ पत्ता 1। चलो को रात को भिगोने डाल दिया था और फिर उबाल के मैं थोड़ा सा नमक डाला था इसमें ना, तो इसलिए हम नमक ज़रा देख के इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे यखनी में भी नमक है। तो ये मैं डाल रही हूँ चने उबले में 375 के करीब चने। तो थोड़ा मसाले के साथ भून लेंगे, अच्छी तरह इसको भून लेंगे। फिर उसके बाद इसमें मैं पानी डाल दूँ, फिर एक उबाल आएगा तो फिर मैं राइस डाल दूँगी चावल। इसमें 2 टेबल स्पून पुदीना है और 3 टेबल स्पून धनिया, ये भी इसमें डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करके फिर ढक्कन लगा के उबलने का इंतज़ार करेंगे। इसमें उबाल आ गया, मैं इसमें राइस डाल दूँ। आप चाहे तो ना खड़ा गरम मसाला निकाल दीजिए, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं होता, बड़ों को भी पसंद नहीं होता। बस तो ये मैंने 2.5 नाप चावल लिए गिलास से ना, क्योंकि मेरे चने में भी नमक है और फिर यखनी में भी नमक था। अब चावल के हिसाब से मैं नमक डालूंगी, थोड़ा नमक जाएगा इसमें। ये वाले गिलास से ना 2 फुल लिए थे, पूरे फुल, और 1 हाफ 2.5 ना, बस कम पकने के लिए रख देते। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाँ मैं देख लेते हैं, पानी तो चला गया, तो दम पे रखेंगे। ये दर्दे का रंग और क्या हुआ है, ये हम डाल देंगे इसमें। इसको दम पे रख देंगे।
ये दम हो गए, मैं इसको सर्व करूँ। ये आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही लजीज है ये। इसको मिर्चों के अचार के साथ खाइएगा। ये मैं सर्व कर रही हूँ, बहुत मज़ेदार है ये, ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।